हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल ग्लैमरस लक्ष्मी। एंड मैं हूं लक्ष्मी। होप आप सब भी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज ना मैं जो भी साड़ियों का रिव्यू शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, बहुत ही अच्छी हैं। आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगी। सो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर कुछ नहीं भी पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में ना और भी अच्छे कलेक्शंस ऐड कर सकूं। अगर आपको है कि जैसे मुझे पर्टिकुलर यही साड़ी का रिव्यू देखना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर मेल कर सकती हैं कि मुझे इसका रिव्यू देखना है, तो मैं मंगवा के रिव्यू कर दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग के लिए हो सकता है हेल्पफुल रहे। एंड अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए मैं आपको एक एक करके साड़ी दिखाती हूँ। मैं गांव में हूँ तो ऐसे थोड़ा गाय बाय की आवाज सुनाई देती रहेगी, तो इग्नोर कीजिएगा। एंड अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जो फर्स्ट है ये येलो कलर की बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है, सिल्क फेब्रिक में है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। एंड इसका जो फेब्रिक है, फेब्रिक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है फेब्रिक से। एंड हर तरह से मुझे इसका ब्लाउज उसमें कैटलॉग में देखने में बहुत अच्छा लगा था। ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, वेट में दिखाती हूँ आपको। इसका गाइस फैब्रिक जो है बहुत अच्छा है। एंड ये जो पल्लू है ना, पल्लू में कई सारे कलर में ये मिलते हैं एंड ऐसे टेसल्स लगाए गए हैं रेड कलर के। एंड साड़ी पे आते हैं तो इसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है। एंड एक साइड में ये इस तरीके का बॉर्डर मिलता है एंड नीचे की साइड में अगर मैं दिखाऊं तो नीचे में भी सेम टू सेम ऐसा ही बॉर्डर मिलता है वुवन वर्क में। ये जो है ना, तो ये पूरे में ये इस तरीके का ऐसा ही सेम टू सेम बॉर्डर मिलता है। एंड प्लेन साड़ी है, ज्यादा कुछ नहीं है। एंड खास करके इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक है ना, दिख रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये पूरा लास्ट तक है ऐसा बॉर्डर, ऐसा नहीं है कि जितना फर्स्ट ब्रेक में जाता है उतने में बॉर्डर ना हो। एंड कलर देख लीजिए, मस्टर्ड येलो कलर है। कलर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, फैब्रिक में शाइन है, सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक है एंड डुअल टोन में साड़ी है। ये देखिए एकदम शाइन वाला फैब्रिक है, अच्छा लग रहा है। रेड एंड येलो की कॉम्बिनेशन में साड़ी है। इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक है ना, ये कुछ इस तरीके का है, छोटा छोटा सा ये मिलता है, वुवन वर्क मिलता है। एंड ब्लाउज का भी फैब्रिक सेम ही है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। एंड ये मिलता है बॉर्डर, जिसे आप अपने स्लीव में या फिर बैक में बनवा सकती हैं। एंड उतना ही चौड़ा बॉर्डर है जैसा साड़ी में है, ऐसा नहीं है कि इस साइड में कुछ पतला हो, वैसा ही बॉर्डर मिलता है। एंड जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट साड़ी जो है ये कुछ इस तरीके के सीक्वेंस वर्क में साड़ी है। वेट मैं आपको पूरी ओपन करके दिखाती हूँ। ये ना, ये कुछ इस तरीके का पल्ला मिलता है, पल्ले में ऐसा सीक्वेंस वर्क हो रखा है। ये टाई एंड डाई प्रिंट में साड़ी है। ये कुछ इस तरीके का पाइपिंग लगाया गया है, जिससे कॉर्नर्स को थोड़ा मोटा बनाया जा सके। एंड पूरी ही साड़ी में ये ऐसा सीक्वेंस वर्क मिलता है, पल्ले के साइड में भी। एंड इधर आते हैं जिधर हम लोग फर्स्ट ब्रेक में लेते हैं ना, तो इधर में भी ये पूरे में सीक्वेंस वर्क मिलता है। ऊपर की साइड में ये एकदम थोड़ा सा छूटा हुआ है, जो कि पेट में टक करने पर ये लगेगा सीक्वेंस। एंड पूरी ही साड़ी में ऐसा सीक्वेंस वर्क है, जितना जहां से हम लोग ये फ्रंट प्लीट बनाते हैं वहां तक। एंड जॉर्जेट फैब्रिक मिलता है, लास्ट में जितना हम लोग फर्स्ट ब्रेक में हैं उतने में सीक्वेंस वर्क नहीं है। एंड फैब्रिक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। एंड इसी में ये मिलता है ब्लाउज के लिए फैब्रिक, तो ब्लाउज का फैब्रिक मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ये पिंक कलर का मिलता है एंड सिल्क फैब्रिक में है। अगर इससे मैच करता हुआ कोई और डार्क कलर में, हो सकता है कि आप लोगों में से किसी को अच्छा लगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ा और डार्क या फिर रेड ऑरेंज ऐसे कलर में कुछ देता तो शायद और भी अच्छा लगता। लेकिन हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का ब्लाउज के लिए फैब्रिक मिलता है, बेंगलोरी सिल्क फैब्रिक है। ब्लाउज का क्वालिटी अच्छा है। एंड नेक्स्ट जो साड़ी है ना, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है, मरून कलर के शेड में है, मरून एंड येलो के कॉम्बिनेशन में। फ्रेंड्स, अगर आप ब्राइड हैं तो डेफिनेटली ये साड़ी ट्राई कर सकती हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगी। इसका प्रिंट वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इस वाली साड़ी में ना और भी कई सारे कलर ऑप्शन है, अगर ये नहीं पसंद आता तो कोई दूसरे कलर पे आप जा सकती हैं। किनारे में पल्ले में इस तरीके का वर्क हो रखा है, सीक्वेंस वर्क मिलता है एंड ये येलो फैब्रिक किनारे में ऐड किया गया है, उस पर वर्क हो रखा है। बहुत ही प्रिटी सी साड़ी है, ये देखिए ऐसी है पूरी ही साड़ी। एंड ये वाला बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर पूरे में है ये ऐसा ऊपर के साइड में इस तरीके का। एंड नीचे के साइड में देखते हैं तो नीचे में ना ये इस तरीके का ऐसा बॉर्डर है, ये ऐसा इस तरीके का पतला सा बॉर्डर मिलता है, बहुत ज्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं है। एंड सिल्क फैब्रिक में साड़ी है। एंड ऊपर से ये जो है ना, ये प्रिंट है, ऐसा नहीं है कि मर्ज है। ये देखिए इस तरीके से पीछे से एकदम लाइट कलर में पता चल रहा है एंड फ्रंट से ऐसा है, तो ये प्रिंट जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान दे के वॉश करना होगा। ये देखिए ये इस तरीके से है, नीचे के साइड में ऐसा ही बॉर्डर कंटिन्यू है। एंड इसका जो ब्लाउज है, ब्लाउज गाइस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लास्ट में जितना फर्स्ट ब्रेक में जाता है उतने में ये बॉर्डर नहीं मिलता है, जो प्रिंट है वो एज इट इज है। एंड ये ना स्लीव के लिए मिलते हैं, ये एम्ब्रॉयडरी मिलती है स्लीव के लिए इस तरीके की। एंड ये फ्रंट के लिए मिलता है ये इतना सा पोर्शन, एंड इतना सा मिलता है बैक के लिए ये कुछ इस तरीके से। ये देखिए
का एम्ब्रॉयडरी बैक के लिए मिलता है। एंड ये जो मरून और येलो का कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एंड इसके साथ जो नेक्स्ट है साड़ी ना वो मैं दिखाती हूँ, सॉरी इसके साथ नहीं है, अलग से है। एंड नेक्स्ट जो साड़ी है ये कुछ इस तरीके की रेड कलर की है, मैं पूरी ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके की ऐसी साड़ी है एंड ये मैंने पहने हुए देखा था बिगनर्स क्रिएटिविटी की जो शिखा नहीं है उनको पहने हुए देखा था, शिखा त्यागी है तो उनका कैटलॉग था उस पे, मीशो पे, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, मीशो पे था कैटलॉग। ये इस तरीके का बॉर्डर मिलता है, उसमें जितना अच्छा लग रहा था उतना अच्छा तो वर्क नहीं है क्योंकि इसका जो वर्क है ना मुझे थोड़ा सा मतलब कि कम सेटल्ड लगा वर्क इसका। एंड उन्होंने जो पहन रखा था उसका क्वालिटी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। एंड पूरी ही साड़ी में छोटे छोटे से स्टोन लगाए गए हैं, ये ऐसा पूरे ही पल्ले में ऐसे छोटे छोटे से स्टोन मिलते हैं। एंड जहाँ से हम लोग पल्ला स्टार्ट करते हैं वहाँ से बॉर्डर मिलता है। आते हैं फर्स्ट ब्रेक पे, सॉरी ये फ्रंट प्लीट पे, तो फ्रंट प्लीट में नीचे के साइड में छोटा छोटा सा ये मिलता है, स्टोन वर्क मिलता है, ऊपर के साइड में प्लेन है। रेड कलर की साड़ी है एंड ये साड़ी जो है ना ये देखिए, ये जितना लास्ट में फर्स्ट ब्रेक में जाता है ना उतने में ये प्लेन है, उतने में कोई भी वर्क एंड बॉर्डर नहीं मिलता है। एंड इसका जो ब्लाउज है, ब्लाउज पूरा ही सीक्वेंस वर्क वाला है, सीक्वेंस एंड जरी से वर्क हो रखा है। एंड लग रहा था कि रियल मिरर होंगे लेकिन रियल मिरर नहीं है। ये स्लीव के लिए डिजाइन मिलती है इस तरीके से ऐसी, एंड सेकेंड स्लीव के लिए ये इधर डिजाइन मिलती है। एंड बैक के लिए प्लेन फैब्रिक मिलता है, फ्रंट के लिए ये कुछ इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी मिलता है जो कि थोड़ा सा डीप नेक आएगा। एंड इसका जो लेंथ है ब्लाउज का वो बहुत ही कम है तो बहुत मुश्किल है ब्लाउज बन पाए नीचे में या फिर प्लेन फैब्रिक जाएगा। मैं अभी बता दे रही हूँ जिससे आप लोगों को लेने के बाद ऐसा नहीं फील हो कि अरे मैंने बताया क्या था, आ गया क्या। इसके लिए मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि ये लास्ट में ना जो ब्लाउज है वो कम पड़ने वाला है। स्लीव के लिए तो जो है वो एकदम पर्याप्त है लेकिन ये जो योग पार्ट का है ना ये डेफिनेटली कम पड़ेगा क्योंकि लेंथ मुझे लगता है 12 इंचेस के आसपास है और जनरली ब्लाउज 13 इंचेस का होता है जो कि जो बहुत शॉर्ट हाइटेड गर्ल है उनका। अब जैसे हम लोग का ब्लाउज है तो 15 इंच तक का ब्लाउज बनता है, 14 या फिर 15 इंच का, तो ये कम पड़ जाएगा ब्लाउज नीचे से। जो नेक्स्ट है ना ये कुछ इस तरीके की ब्लू कलर की साड़ी है एंड प्रिंटेड है। एंड अगर आप लोग इसका फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं इसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अनदर शॉपिंग हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। फ्रेंड्स ये जो सारी ही साड़ियां हैं ना सारी ही रीसेल में भी अवेलेबल हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी साड़ी मीशो से नहीं परचेज करना है, मीशो से कम प्राइस में चाहिए तो आप मेरे से परचेज कर सकती हैं। आपको इंस्टा या फिर फेसबुक पर डीएम करना होगा। अगर आप इंस्टा फेसबुक नहीं यूज़ करती हैं तो आप मुझे मेल कर सकती हैं। सारी ही डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। एंड ये सारी ही साड़ियों के रीसेल प्राइस वीडियो में मेंशन है।